बुजुर्ग महिला मेरे थाने के एरिया की सीनियर सिटीजन है और इंग्लिश टीचर हैं, रिटायर्ड बढ़िया लेडी हैं व्यवहार से भी। और जैसे हमारे सीनियर्स बताते हैं हमें कि आप जो भी है इंसानियत के नाते अपना कर सकते हो उतना लोगों की हेल्प करो, तो इसी हिसाब से मैं आता जाता भी हूँ उनके घर, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए उनके वहाँ एक बुज़ुर्ग महिला ही है केयर टेकर के रूप में और कोई नहीं रहता, तो उसी पर्पज़ से मैं कभी कभार आता जाता हूँ। एक दिन वैसे ही उन्होंने मेरे से पूछ लिया भी आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, तो मैंने बताया मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो गए हैं, तो उन्होंने भी इच्छा जताई वैक्सीनेशन करवाने की, तो मैंने साहब से कॉन्टेक्ट किया एस एस ओ साहब से, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आप करवा लो, लेकिन मुश्किल ये थी कि वहाँ ना तो स्ट्रेचर जा सकती थी उनको उतारने के लिए, और चलने में वो एक डेढ़ साल से अक्षम है, तो अब वहाँ से ऊपर से लाना सेकंड फ्लोर से, और फिर उसमें थोड़ी परेशानी थी, लेकिन ठीक है ऐसा लगा कि इनको वैक्सीनेशन करवानी है, इसी पर्पज़ से मैं अपनी गोद में उठा के उन्हें अरुणा सफली ले गया। साहब ने वहाँ कोऑर्डिनेट करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, और वहाँ वैक्सीनेशन करवाने के बाद उसी तरीके से गोद में उठा के मैंने वापस घर पर रख दिया। आंटी अनमैरिड है तो हाँ, तो वैसे उनके भाई हैं वो अलग ही रहते हैं, विदेश रहते हैं, वो अकेली रहती हैं वहाँ। रेजी आंटी हैं उनकी केयर टेकर हैं, वो भी 58-60 साल के करीब हैं, तो वही सेवाएँ करती हैं उनकी, शुरू से ही उन्हीं के पास हैं।